हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग दिवी ऑन टीवी। ब्लॉग बनाने जा रहे हैं मेरे पार्ट टू का, जो कि है माय लिपस्टिक कलेक्शन। एक पार्ट हमारा हो गया था लेकिन एक पार्ट रह गया था, सो यस वी आर गोइंग टू मेक दैट। माय लुक फॉर टुडे, मैंने थोड़ा इंडियन लुक इस टाइम करा है। वेस्टर्न लुक मैंने लास्ट टाइम करा था, मैंने कहा चलो सेकंड पार्ट के लिए लेट्स ट्राई द इंडियन लुक। सो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं अपना इन कलर का ब्राउन शेड में लिप लाइनर लगा रही हूँ, सो दैट आपको लुक पता चले कि लिप शेड कैसी लग रही है। फर्स्ट लिपस्टिक मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, दैट इज फेसेस कैनेडा टीज। सो दिस इज अ वेरी 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 प्रिटी शेड, दिस इज अ न्यूड शेड। सो ये मैंने सेल में मंगवाया था। सो फेसेस कैनेडा में मोस्टली सेल चलती है, जिसमें कि यू बाय वन एंड यू गेट वन फ्री। तो मैंने उसमें मंगाया था, सो इट रिटेल्स फॉर अराउंड 800 समथिंग, बट मुझे ये 400 में मिला बिकॉज मैंने 1+1 लिया था। तो इसके साथ मैंने एक और शेड मंगा लिया था, तो इसीलिए ये मुझे हाफ रेट में मिला। सो लेट्स ट्राई दिस शेड। तो दिस इज द शेड, सो इट्स अ वेरी प्रिटी ब्राउन न्यूड शेड। और ये अगेन इट इज मैट बेस और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, लेकिन ये जब अप्लाई के बाद आपको ये एकदम मैट दिखेगा। सो नेक्स्ट शेड दैट आई एम यूजिंग इज इजी मेड, इट इज फ्रॉम मेबलिन अगेन, एंड लेट्स ट्राई दिस एंड देन आई शेयर द रिव्यू विद यू। इंस्टेंट ग्लो ऑन योर फेस, आप जैसे इसको अप्लाई करते हो बहुत ही अच्छा है। अगेन ये क्रीमी टेक्सचर है, लेकिन लगाने के बाद तुरंत विद इन 2 सेकेंड्स ये मैट हो जाता है। सी एंड लेट्स सी इफ इट इज ट्रांसफर प्रूफ और नॉट, वेरी लिटिल। अभी ये थोड़ा और मैट होगा तो ये फिर बिल्कुल ही ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है। सो इट इज अ ट्रांसफर प्रूफ लिप शेड और ये बहुत अच्छा शेड है। अगेन द नेम इज मेड इजी, सो ये सारे स्किन टोन के साथ चला जाता है, डार्क लाइट स्किन टोन और मीडियम स्किन टोन, सारे इंडियन स्किन टोन के साथ ये बहुत अच्छा सूट करेगा। सो डू ट्राई दिस फॉर श्योर। शेड विच आई एम गोइंग टू ट्राई इज दिस फेसेस कैनेडा वन। अगेन दिस इज अ वेरी प्रिटी ब्राउन शेड, दिस इज अ डार्क ब्राउन शेड बट इट गोज विद ऑल कॉम्प्लेक्शंस, इट इज बेस्ट फॉर इंडियन स्किन टोन अगेन। सो वट एवर लिपस्टिक्स आई एम शोइंग करंटली, लाइक फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज थर्ड वन, ऑल द लिप शेड गोज विद द इंडियन कॉम्प्लेक्शन वेरी वेल। सो दिस इज फेसेस कैनेडा अगेन एंड द शेड इज आई एम योर्स, इट इज अ मैट लिप क्रेयॉन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेयॉन बेसिकली, इट्स नॉट अ लिक्विड लिपस्टिक। सो इट्स अ वेरी क्रीमी टेक्स्चर अगेन एंड नॉन ड्राइंग, सो ऑल द लिप शेड आई एम शोइंग इज नॉन ड्राइंग एंड गुड फॉर योर लिप्स, इट विल नॉट लुक पैची एंड इट्स वेरी गुड एंड अगेन इट गिव्स द मैट शेड। Let's try this. So it suits very well with all skin colors. बहुत ही अच्छा shade है, matte है और I just love this shade. So एकदम ही ये आपको अलग ही vibe दे देता है लगाते ही। As you can see, brown color है, warm shade है. So yes, I just love this shade. So next we are going to try the Sugar Cosmetics lipstick. This is the shade Dawn Fawn. So it is a very popular shade and let's try and then I'll share the review, my personal review. Thank you.
इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी कलर. थोड़ा सा रेडिश भी नहीं कह सकते हो बट रस्ट टोन में है ये. सो बहुत ही प्रिटी शेड है. इंडियन स्किन टोन के साथ बहुत अच्छा जाता है. कोई भी कॉम्प्लेक्शन के साथ बहुत अच्छा जाएगा, स्पेशली इंडियन स्किन टोन. ये मैट भी है और सी इंस्टेंटली मैट हो जाता है लगाते ही. बट द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस लिप शेड इज दैट इट इज वेरी 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 ड्राइंग. सो ऑल माई ड्राई स्किन पीपल, दिस इज नॉट फॉर यू. बिकॉज मैं इसको जैसे ही लगाती हूँ मेरा पूरे अभी तक ठीक है, थोड़े देर बाद जैसे ही टाइम बीतेगा ये मेरा सारा जो लिप्स है ये सी चैप होना स्टार्ट हो जाएंगे. बहुत ज्यादा ड्राइंग लिपस्टिक है. आई डोंट नो why is it is very drying, but I guess जो oily skin people है या जिनके lips इतने ज़्यादा dry नहीं होते हैं they can surely go with this one because shade is very pretty. Shade is Dawn Fawn, so you can surely try this. But my dry skin people जिनके lips बहुत chapped रहते हैं already और जिनको बहुत ही creamy formula अच्छा लगता है या matte जो dry ना करे then this is not for you. बहुत ज़्यादा drying है. तो मैंने ये ले तो ली थी क्योंकि मुझे shade बहुत अच्छा लगा था बट मैं बस इसीलिए इसको सिर्फ समर्स में लगाती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा लिप्स मॉइस्चराइज करने के बाद. देन टू मेरे लिप्स थोड़ा थोड़ा चैप होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो इसीलिए मैं अब मुझे नहीं पता कि शुगर की जो अब और शेड्स आए हैं या और वेराइटी ऑफ लिप शेड्स आए हैं वो भी ड्राइंग हैं और दैट इज दे हैव चेंज देयर फॉर्म्यूलेशन. बट इसके बाद मैंने ट्राई नहीं करा कोई भी शुगर की लिपस्टिक क्योंकि ये बहुत ड्राई थी. सो या अगर आपने ट्राई करी है और ड्राइंग नहीं है जो अब नया फॉर्मूला आया है या सॉरी जो भी नया शेड लॉन्च हुआ है सो डू टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन देन आई श्योरली ट्राई दिस. ओके सो नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द रेड शेड. आई हैव जस्ट टू कलर्स सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो दिस इज अ वेरी ओल्ड लिपस्टिक ऑफ माइन. सो ये मेबेलिन का कलर है बिग एप्पल रेड. लेट्स ट्राई दिस. ये बहुत पुरानी लिपस्टिक है. आई डोंट नो ये बनती है ये शेड है अब या नहीं है बट ये बहुत ही प्रिटी रेड शेड है. सो दिस इज बेसिकली रेडिश पिंक कलर और पिंकिश रेड वट एवर. दिस इज अ वेरी प्रिटी शेड. ये अभी वैसा पिंक लग रहा है बट आप सामने से देखोगे हल्का सा रेडिश टोन है इसका. सो दैट्स वाई द नेम. नेक्स्ट लिप शेड इज दिस. दिस इज फ्रॉम लैक्मे फॉर एवर मैट लिक्विड लिप कलर. द शेड इज क्रिम्सन रोज 04. लेट्स ट्राई दिस. दिस इज द शेड. इट्स अ वेरी प्रिटी रेड कलर. इट हैज वॉर्म अंडरटोन सो इट अगेन गोज विथ ऑल इंडियन स्किन टोन्स, डार्क मीडियम लाइट. Everyone can carry this out. This is a very pretty shade and I guess इस look के साथ ये सबसे best लग रहा है. And yes, so अगर आपको red lipstick लेनी है and you need a warm undertone with that और सारे skin tone के साथ जो चला जाए so this is your shade. This is Crimson Rose from Lakme. Again, this is non-drying, बिल्कुल भी dry नहीं करता और एकदम ही matte formula है. सी पूरा तुरंत मैट हो जाता है, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है. वेरी गुड टेक्सचर, बिल्कुल भी पैची नहीं है. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं दैट ये ज़्यादा लास्ट नहीं करती. आई डोंट नो अबाउट दिस रेड शेड बट इसका मेरे पास न्यूड शेड है सो वो मैं लगाती हूँ बट उसको बार बार रीअप्लाई करना पड़ता है. ये मैंने ज़्यादा यूज नहीं किया है, एक आध बार यूज किया है. सो आई कांट से अबाउट दिस स्टेइंग पार्ट बट येस दिस इज अ वेरी प्रिटी शेड.